कुछ दिनों पहले बाला कॉम्प्लेक्स के सोने घर से जेवर नकदी चुराने वाले बदमाशों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता पाई है। घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से बदमाशों की पहचान सामने आई थी, जिसके बाद जानकारी जुटाते हुए पुलिस उन तक पहुंच गई। पुलिस ने बदमाशों से घर से चुराए गए सोने चांदी के जेवर भी बरामद कर लिए हैं, जबकि रुपयों को बदमाशों ने मोबाइल फोन खरीदने में खर्च कर दिया था। पुलिस ने चोरी के रुपयों से खरीदा गया मोबाइल फोन भी जब्त किया है। सीएसपी कृष्णपाल सिंह के अनुसार 26 जून को बाला कॉम्प्लेक्स में रहने वाले शुभम श्रीवास्तव ने घर में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। घर से जेवर नकदी चोरी का केस दर्ज कर गोपालगंज थाना प्रभारी राकेश शर्मा द्वारा टीम बनाकर जांच शुरू की थी। पुलिस ने घटना स्थल के आसपास कई घरों और पुलिस स्मार्ट सिटी के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो कुछ अनजान युवक देर रात घर के आसपास आते जाते दिखे थे। पुलिस ने पड़ताल के दौरान चोरी की वारदात में लिप्त दो बदमाशों की पहचान की और हुलिये के आधार पर उनका पता लगाकर दबोच लिया। टीआई राकेश शर्मा ने बताया कि पकड़े गए बदमाश बलराम पुत्र हीरा लाल रेखवार 19 वर्ष और उदय पुत्र प्रदीप अहिरवार 19 वर्ष इतवारी टोरी चंद्रशेखर वार्ड को थाने लाकर पूछताछ की गई थी तो दोनों ने अपराध स्वीकार कर लिया। उनसे अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार चोरी करने वाले उदय और बलराम उम्र कम होने के बावजूद आदतन बदमाश हैं। उनके विरुद्ध पूर्व से ही अपराध दर्ज हैं। दोनों चुराए गए जेवरों को एक व्यक्ति की मदद से गलवाने की तैयारी कर चुके थे।